आपका स्वागत है सूर्यकांत टेक्निकल गुरु में। आज हमारे पास TVS की अपाचे RTR 200 आई है, उसका एयर फिल्टर चेंज करना है। वो किस तरह से चेंज करना है, किस तरह से ओपन होता है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, वो अपन अपाचे TVS की अपाचे और 204 लिखा है ना, 4 वाल्व वाली गाड़ी, ठीक है। तो ये इसका एयर फिल्टर किस तरह का चेंज निकालना है, चेंज करना है, घर ही में चेंज कर सकते हैं वो देखेंगे। ये यहाँ पे सीट है, फिर से लॉक ओपन कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से ओपन हो जाता है, ये सेकंड वाला भी लॉक ओपन कर देते हैं। तो इसके लिए ये की निकाल देते बाहर, की निकालने के बाद केबल खींच लेते, केबल खींचने के बाद ये सीट ऐसी वापस आ जाती बाहर, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3 ये 4 स्क्रू है, ये 4 स्क्रू ओपन करें, या 4 स्क्रू ओपन करते हैं, ये ओपन करते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं। उसके पहले अपने को ये साइड पैनल भी निकाल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा दिक्कत जाता है, साइड पैनल निकाल देते हैं। और यहाँ पे जो 10 नंबर का बोल्ट है वो भी निकाल देते हैं। कोई कोई गाड़ियों में इसको निकालना नहीं भी निकाला तो भी चलता है। यहाँ पे कैसा है, ये जो ऊपर का कवर है वो यहाँ पे प्रेस रहता है, ठीक है। इसको निकाल देते हैं थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से, ये आ गया। अभी ये नट उसको बाहर निकाल लेते हैं, ओके। इसके पहले हमने जो शाइन का वीडियो बनाया था उसी टाइप का है, इसका भी सीट के नीचे रहता है, ये देखो ऊपर इसको दिखता है पूरा, ठीक है। ये फिल्टर देखो, ये खराब हो चुका है, अभी इसको नया डालेंगे। कंपनी बोलती है 12,000 किलोमीटर बाद चेंज कर देना, देखो, डू नॉट क्लीन एयर फिल्टर, रिप्लेस इट फॉर एवरी 12,000 किलोमीटर, ठीक है। 12,000 किलोमीटर के बाद इसको चेंज करना है। देखो कंपनी भी नोटिफिकेशन दे रही है, नोटिस दे रही है कि 12,000 किलोमीटर बाद इसको चेंज करना है, ओके। तो अभी इसको नया लगा देंगे इस तरीके से। देखो ये जो दिख रहा है 1, 2, 3 डॉट, ये 3 डॉट ये साइड में ही चाहिए, ठीक है। 1, 2 ये जो 3 मार्किंग दी है वो ये साइड में आएगा, ठीक है, नहीं तो ये बैठता नहीं है बराबर। तो ये ऊपर का कवर भी क्लीन कर देते हैं ताकि एयर अच्छी जाए कार्बोरेटर में। अगर ये एयर फिल्टर ख़राब होगा तो कार्बोरेटर में भी हवा ख़राब हवा जाएगी, कार्बोरेटर में फिर कचरा चला जाएगा एयर फिल्टर थ्रू, इसलिए अपने को ये एयर फिल्टर साफ रखना ज़रूरी है। अगर चैनल पे नए हो गए तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी दबा दे। हमारे नए नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। इतना ही आसानी तरीके से चेंज कर सकते हैं, अपने को बाहर जाने की, वर्कशॉप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 12,000 किलोमीटर हो जाता है वैसे अपन लाके चेंज कर सकते हैं एयर फिल्टर। इस तरह से अपना ये लग चुका है एयर फिल्टर, इंस्टॉलेशन हो चुका है। अपाचे RTR 200 उसका एयर फिल्टर लग चुका है। सो फ्रेंड्स, ये देखो यहाँ का पाइप है, वो पाइप भी लगा देते हैं। देखो जो पाइप है ये पाइप लगा देते हैं, होस पाइप रहता है। ओके, इस तरह के से लग जाता है, पहले में भी निकला हुआ था, हमने लगा दिए, ओके। सो फ्रेंड्स, अपाचे RTR 200 CC उसका एयर फिल्टर निकालने वाला वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में लिखे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।